अब बाहर जाके देखते हैं कि घर कैसा सजाया गया है। अभी अभी हमने अपने घर को लाइट्स लगाई हैं और अभी अभी मैं फारिग हुई हूँ, तो देखते हैं बाहर जाके घर कैसा लग रहा है। हमारे बिल्कुल घर के सामने वाला घर कितना प्यारा लग रहा है, इन्होंने भी इतनी प्यारी लाइट्स लगाई हुई हैं। और रात के इस टाइम मैं घर को सजा के लाइट्स लगा के फारिग हुई हूँ, तो देखते हैं घर कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स से मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ घर मेरा कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टू टू आई व्लॉग्स। और व्यूअर्स, ये देखें कि मिलादुन्नबी की आमद है, यानी कि अब ईद मिलादुन्नबी आने वाली है। तो हमारे इधर सारी जो सोसाइटी है, स्ट्रीट है, इतनी अच्छी तरीके से सजाई है, नालायन पाक लगाई है और नालायन पाक इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और हर तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, हर तरफ रोशनी है, क्योंकि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। आपने ना सुनी होगी तो हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन की आमद है। तो ये देखिए कितना कितना खूबसूरत हमने अपने घर को सजाया है, क्योंकि हर तरफ चिरागा है, हमने भी चिरागा किया है, क्योंकि नबी है पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए हैं, जिनके सदके से सारी दुनिया बनी है। हमारे वो नबी बाहर दुनिया में आए हैं वाले दिन हमारे प्यारे नबी की आमद का दिन है, उनके जहूर का दिन है, इसलिए पूरी दुनिया सजाई जाती है और हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ और चिरागा किया जाता है। तो सोचें कितने प्यारे नबी हैं हमारे। यस, आप सब अपने अपने घर में ऐसे ही चिरागा करते होंगे, वो सबने ही किया होगा। और अभी हमने ये लाइट्स लगाई हैं इन व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि इस महीने में जितना दरूद पढ़ा जाए प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जितना दरूद पढ़ा जाए उतना ही कम है, बहुत सवाब है और बहुत सवाब का महीना है। और सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर, नालायन पाक को देखकर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आप सबको ये नालायन पाक और ये सब लाइट्स अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।